हेलो एवरीवन, दिस इज दीपशिखा एंड टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इन अदर थ्री पार्ट्स वी हैव लर्न दैट नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. इससे पहले ब्लैक्स वर नॉट हैविंग प्रॉपर राइट्स. उन्होंने प्लेज लिया कि अब कंट्री विल बी फ्री ऑफ स्लेवरी, इट विल बी फ्री ऑफ बॉन्डेज. किसी भी तरह की कोई भी पॉवर्टी नहीं होगी, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा और किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा. कास्ट कोई भी सुपीरियर नहीं होगी, कोई भी इन्फीरियर नहीं होगी. एंड देर विल बी नो अपार्थाइड पॉलिसी. अपार्थाइड पॉलिसी में लोगों को क्या किया जाता है, कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे लोगों को कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सेग्रीगेट अलग कर दिया जाता है. एंड एवरीबॉडी विल बी प्राउड ऑफ दिस फ्रीडम. और वो बात करते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर बियर किया लेकिन फिर भी फ्रीडम के लिए वो लड़ते रहे और बहुत सालों तक लड़ते रहे. उसके आगे वो बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस की, कि किसी भी मैन की उसकी लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस, टू ऑब्लिगेशंस होती हैं, टू ड्यूटीज़ होती हैं, वन फॉर हिज ओन फैमिली एंड द अदर फॉर हिज पीपल एंड हिज कंट्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably means unavoidably, जिस चीज को हम avoid नहीं कर सकते, जो होना ही होना है. Ripped means separated. तो South Africa में जो भी इंसान अपनी duty अपने people के लिए fulfill करना चाहता था, अपनी society के लिए कुछ करना चाहता था, तो उसको उसकी फैमिली से सेपरेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, उसके घर से निकाल दिया जाता था. एंड ही वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अलग ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी. A twilight existence of secrecy and rebellion. Secrecy is उसको secret में, secret थी उसकी life and उसका जो existence था वो twilight हो गया था. Twilight is very dull, very faint, जो बहुत कम existence है किसी चीज का. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. Prevented means stopped, किसी को रोक देना. तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर दिया, अपने लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर दिया. नहीं, मेरी फैमिली फर्स्ट थी, उसके बाद मेरे पीपल थे. बट जब मैंने लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया, मुझे ये समझ में आया कि मुझे रोका जा रहा है किस चीज़ से, कि अब मैं अपनी फैमिली के लिए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ. अगर मैं अपनी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. मैं एक सन की तरह काम नहीं कर पा रहा, ड्यूटी नहीं फुलफिल कर पा रहा, एक ब्रदर की तरह, एक फादर या फिर एक हस्बैंड की तरह. तो मैं अपनी फैमिली के लिए अपनी ड्यूटीज से दूर हो गया. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. जब मैं पैदा हुआ, मुझमें ऐसा कोई भी हंगर नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि मुझे उस टाइम फ्रीडम के बारे में इतना पता ही नहीं था. आई थॉट दैट आई वॉज फ्री, कि मैं फ्री ही हूँ. हम जैसे रह रहे हैं, हम सब फ्री हैं. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. तो जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मुझे यही पता था कि यही हमारी फ्रीडम है, अपने एरिया में रहना, खेलना कूदना, खाना पीना, दैट्स ऑल. तो जितना मुझे पता था तो उतनी ही वो मेरे लिए फ्रीडम ही थी. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. अब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल फ्री था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स. जो मेरी मदर के हट के पास में खेत थे, मैं बिल्कुल फ्रीली वहां पे रन करता था, फ्रीली मैं स्विम करता था स्ट्रीम में, पानी की स्ट्रीम में. एंड मैं बहुत ही फ्रीली ही मीलीज को, मीलीज इज मेज, मक्का या बाजरा, तो मैं इन दोनों को भी आराम से रोस्ट कर सकता था फ्रीली. मुझे किसी भी चीज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं बुल्स के ऊपर बैठ के भी आराम से राइडिंग कर सकता था. सो आई वॉज फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स एज लॉन्ग एज आई ऑबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. अबाइडेड बाय मीन्स ओबेड,
ओबे करना, मानना। एंड ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जो छोटी सी एक सोसाइटी लोग बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइब। तो जब तक मैं अपने फादर को ओबे करता था या फिर अपनी ट्राइब की, अपनी सोसाइटी के लॉज को, कस्टम्स को फॉलो करता था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड। मुझे किसी भी चीज़ की ट्रबल नहीं हुई, ना तो लॉज ऑफ मैन, जो इन हमारी सोसाइटी के लोगों ने अपने लॉज बनाए थे, ना उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, ना ही भगवान ने। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ, भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और अब जैसे ही मैं बड़ा होने लगा, बॉयहुड में आया, तो मुझे समझ में आया कि मेरी बॉयहुड वाली जो फ्रीडम थी, दैट वॉज एन इल्यूजन ओनली, वो सिर्फ एक भ्रम है। और मुझे समझ में आया, मैंने डिस्कवर किया कि जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मैं यंग बना, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, और मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे ऑलरेडी ले ली गई है। मेरे पास कोई राइट्स नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और उस जिस टाइम मुझे समझ में आया कि मेरे पास फ्रीडम है ही नहीं, तब मेरे अंदर फ्रीडम के लिए वो हंगर जो थी वो क्रिएट हुई, वो भूख जो थी फ्रीडम के लिए वो बढ़ने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. जब मैं एक स्टूडेंट था, तब मुझे सिर्फ फ्रीडम अपने लिए ही चाहिए थी, एंड दैट वॉज ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी इज टेम्पररी, जो परमानेंट नहीं है जो चीज़। फ्रीडम ऑफ बीइंग टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं बाहर रात में थोड़ा सा घूम सकूं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद आती है, मैं उसको पढ़ सकूं, और मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई यर्न for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं यंग बना, तो मुझे अपनी कंट्री में, अपने प्लेस पर, अपनी सिटी में, जोहान्सबर्ग में, मैं विश करता था, यर्न मीन्स विश, मैं विश करता था बेसिक फ्रीडम्स की, जो किसी भी लॉफुल लाइफ में बहुत ही कॉमन फ्रीडम है, जो वो क्या थी, अचीविंग माई पोटेंशियल। जिस चीज़ में मेरा पोटेंशियल है, जिस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ, उस चीज़ को मैं अचीव कर सकूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, जो भी मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ उसमें मैं कुछ अर्न कर सकूँ। ऑफ मैरिंग, मैं शादी कर सकूँ, और हैविंग अ फैमिली, और मैं अपना परिवार आगे बढ़ा सकूँ। और ये जो फ्रीडम है, इट शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ये ऐसी फ्रीडम है जो एक नॉर्मल लाइफ में, एक लॉफुल लाइफ में, ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। तो मैं इन सभी फ्रीडम्स की विश करने लगा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, और मेरे भाई भी थे, बहनें भी थी, वो भी फ्री नहीं थे, मीन्स किसी को भी फ्रीडम नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मीन्स कट शॉर्ट, किसी चीज को छोटा कर देना या कम कर देना। तो मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं था जिसकी फ्रीडम कम हो गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। बट जो भी इंसान मेरे जैसा दिखता था, मीन्स जो भी वहाँ पे ब्लैक पीपल थे, ब्लैक सोसाइटी के पीपल थे, उन सभी की फ्रीडम कट कर दी गई थी या कम कर दी गई थी, मीन्स वी पीपल वर नॉट हैविंग प्रॉपर राइट्स। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greatest hunger for the freedom of my people. और फिर जब मैं young था, मुझे सब समझ में आया कि freedom, कि ये सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसको freedom नहीं मिली हुई, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो फिर ये जो मेरी hunger थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, और मैंने join किया African National Congress। जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तो वहाँ सभी जो थे वो सभी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और तब मेरे अकेले की लड़ाई जो थी वो मेरी लड़ाई बन गई, मेरे लोगों के लिए फ्रीडम की लड़ाई। तो अब मैं अपने आप के लिए ना लड़कर अपने लोगों के लिए लड़ने लगा। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और यही डिज़ायर थी, जो मेरी डिज़ायर थी, मेरी विश थी, कि मैं अपने लोगों की लाइफ को एक डिग्निटी दूं, एक रिस्पेक्ट दूं, एक फ्रीडम मिले उन्हें प्रॉपर,
तो इस चीज़ ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. एनिमेटेड मीन्स इंस्पायर. तो इन चीज़ों ने मेरी लाइफ को बहुत इंस्पायर किया. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन. और जब मैं फ्रीडम के लिए लड़ने लगा, तो मैं पहले क्या था, एक फ्राइटेंड पर्सन था. फ्राइटेंड मीन्स फुल ऑफ फियर. मैं एक डरा हुआ इंसान था. बट अब मैं एक बोल्ड, एक फियरलेस, एक ब्रेव पर्सन बन गया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी इज अ लॉयर, टू बिकम अ क्रिमिनल. और मैं जो बचपन से ही लॉ अबाइडिंग था, लॉ को फॉलो करता था अपनी फैमिली के, अपनी सोसाइटी के, अब मैं एक क्रिमिनल की तरह बन गया, क्योंकि मुझे लड़ना पड़ता था अपने लोगों के लिए. दैट टर्न्ड अ लविंग फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक. और अब जो एक इंसान, जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो किस में चेंज हो गया? अ मैन विदाउट अ होम. क्योंकि अब मेरे पास कोई घर नहीं था, मुझे पुलिस से छुपना पड़ता था, भागना पड़ता था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक. और एक मंक की तरह, मंक इज अ काइंड ऑफ सेंट जो सोसाइटी से दूर रहते हैं, जो किसी भी तरह का कंफर्ट नहीं चाहते अपनी लाइफ में, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं. तो अब मुझे एक मंक की तरह, एक सेंट की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर था, अपने परिवार से दूर था, तो मुझे एक मंक की तरह रहना पड़ा. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइजिंग देन द नेक्स्ट मैन. मैं भी उतना ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था, वर्चुअस था, जितना कि कोई भी नेक्स्ट मैन ऑफ माय सोसाइटी, मेरी सोसाइटी का, मेरी कम्युनिटी का जो दूसरा मैन सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था, उतना ही मैं भी सेक्रीफाइस कर रहा था. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. बट मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो भी हमारे लोगों को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी गई है, लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं उन्हें भी एन्जॉय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम कम्प्लीटली फ्री नहीं थे. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. फ्रीडम जो है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को फ्रीडम दी गई है और कुछ लोगों को नहीं. द चेन्स ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. अगर मेरी सोसाइटी के मेरे लोग जो थे, उन कुछ लोगों को फ्रीडम नहीं है, कुछ लोग जो है उनको चेन्स डली हुई हैं बॉन्डेज की, तो इसका मतलब हम सभी के सभी, हमें फ्रीडम नहीं थी. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और अगर मेरे सारे लोग जो हैं वो बॉन्डेज की चेन्स के नीचे दबे हुए हैं, इट मीन्स मैं भी फ्री नहीं था. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर मीन्स वन हु टॉर्चर्स. एक सुपीरियर इंसान जो टॉर्चर कर रहा है दूसरे पे. एंड ऑप्रेस्ड मीन्स वन हु इज टॉर्चर्ड. और एक इन्फीरियर पर्सन जिसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, दैट इज ऑप्रेस्ड. मस्ट बी लिबरेटेड. लिबरेटेड मीन्स उसको भी फ्री करना चाहिए. तो उनका मानना है कि जो ऑप्रेस्ड है, जिसपे टॉर्चर हो रहा है, वो तो, उसको तो फ्रीडम नहीं है, उसको तो फ्रीडम चाहिए ही. बट जो ऑप्रेसर है, जो टॉर्चर कर रहा है, उसको भी फ्री होना चाहिए. I knew that the oppressor must be liberated. Oppressor को भी हमें free करना है, just as surely as the oppressed. जैसे कि oppressed को, जिसपे torture हो रहा है, उसको freedom चाहिए, वैसे ही oppressor को भी freedom चाहिए. क्योंकि जिसपे टॉर्चर किया जा रहा है, वो तो प्रिजनर बना ही हुआ है, एक कैदी बना ही हुआ है. बट जो ऑप्रेसर है, जो टॉर्चर कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिजन में है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. क्योंकि वो उनके दिलों में कैदी बन चुका है. किस चीज का? नफरत का. क्योंकि सभी उससे नफरत करते हैं जो किसी पे टॉर्चर करता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज इल फीलिंग विदाउट एनी रीजन. बिना किसी रीजन के उसके लिए लोग अपने मन में इल फीलिंग्स लाते हैं, नफरत की फीलिंग्स लाते हैं. एंड नैरो माइंडेडनेस. और उसके बारे में नैरो थिंकिंग रखते हैं, बुरा सोचते हैं. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ, तो मैं कम्प्लीटली फ्री नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. उसी तरह जिस तरीके से अगर मेरी फ्रीडम ले ली जाती है, कोई और ले लेता है, तो भी मैं फ्री नहीं हूँ. तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि एक पर्सन जिसकी फ्रीडम ले ली गई है, वो तो फ्री है ही नहीं. बट
द पर्सन हु इज टेकिंग द फ्रीडम, जिसने फ्रीडम ली है दूसरों की, वो भी कम्प्लीटली फ्री नहीं है, क्योंकि उसके लिए दूसरों के दिलों में बहुत ज़्यादा नफरत है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. ऑप्रेस्ड जिस पर टॉर्चर किया जा रहा है और ऑप्रेसर जो टॉर्चर कर रहा है, अलाइक मीन्स सेम, दे आर इक्वली रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. रॉब्ड मीन्स स्टोलन, उनकी जो ह्यूमैनिटी है दोनों की ही कहीं ना कहीं रॉब हो जाती है, कहीं ना कहीं वो छिन जाती है, क्योंकि एक जो है वो दूसरे पे टॉर्चर कर रहा है और दूसरा उससे बहुत ज़्यादा हेट करने लगता है, तो दोनों में ही ह्यूमैनिटी की कमी हो जाती है. लेकिन अब जब कंट्री को कंप्लीट फ्रीडम मिल गई है, साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड वाइट्स एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज हैविंग इक्वल राइट, तो अब कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी अपार्थाइड पॉलिसी सिस्टम नहीं रहेगा, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होगा. तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने बहुत टाइम तक लड़ाई की गवर्नमेंट से, वाइट पीपल से वो लड़ते रहे और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ाई करते रहे. आई होप ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.